ओके हम 26 क्वेश्चन को देखते हैं. सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी टू डे एंड एवरी थ्री डे रिस्पेक्टिवली. दैट मींस इफ सीता इफ ऑन 1st January बोथ ऑफ देम वेंट फॉर स्विम टुगेदर व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट. तो इफ 1st January तो आफ्टर टू डे गैप क्या हो जाएगा ये 4 मीन्स क्यों क्योंकि देखिए 2 दिन की गैप है. तो अगर 1st January को मान ले भी कि अगर कुछ दे पड़ता है तो 2 डे का गैप का मतलब 3-4 हो जाता है. और नेक्स्ट गीता में भी ऐसे कुछ कंडीशन बनेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1+3 5. यहाँ पे 2 डे का मतलब ये नहीं होता कि 1 मीन्स 2 एंड 3 पे आ गए. गैप है 2 डे का तो 2 डे का गैप अपन ने ले लिया मीन्स 2 और 3 क्या है गैप है. इसी तरह यहाँ पे 2, 3, 4 गैप है तो यहाँ पे कितना गैप हो जाता है 2 मतलब 3 डे हो जाता है. यहाँ पे कितना गैप हो जाता है 2 डे हो जाता है. तो 4-1 कितना हो गया आपके पास 3 और 5-1 कितना हो गया 4. दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12. तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन. इन 27 क्वेश्चन एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्स्टेंट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर. अच्छा इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें 3 रेसर हैं एक्स वाई जेड और टोटल अपने पास कितना दूरी दौड़ने को है 1000 मीटर दौड़ने को है. एज्यूम करते हैं सब एक यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब सबकी एक स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड. एक्स गिव वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर दैट मीन्स एक्स से वाई कितना आगे स्टैंड आउट कर रहा है 40 मीटर. अच्छा नेक्स्ट क्या दिया है एक्स गिव जेड स्टार्ट ऑफ 60 मीटर मतलब एक्स तो यही स्टैंड है तो एक्स यही होगा ना तो जेड कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा समथिंग. और ये कितनी फोर की दूरी होगी 64 तो ये आपके पास वाई हो गया. तो वाई एंड जेड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 24 मीटर. कितनी हो गई वाई एंड जेड के बीच की डिस्टेंस 24 मीटर. तो हाउ मेनी मीटर स्टार विल वाई गिव टू जेड तो वाई जेड को कितने मीटर का स्टार देगा तो देखिए 24 मीटर का स्टार देगा. अच्छा एक बात देखें कि 24 मीटर का स्टार देगा लेकिन यहाँ पे एक्स तो लेना नहीं है ना तो ये वाली डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब आपके पास 1000 में से मैंने क्या कर दिया 40 माइनस कर दिया. अच्छा 24 मीटर का स्टार कब देगा जब 1000 माइनस 40 होगा तो आपसे क्या पूछा है 1000 मीटर में से कितना होगा डैट मीन्स 24/960 × 1000 ये आ गया आपका 25 आंसर. तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 25. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मीन्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन 25 है 26 27 डैश डैश. वाई इज लेस देन इक्वल टू 40 मीन्स 40 39 36. इसमें आपको इन दोनों ऑप्शन से कुछ कंक्लूजन निकालना है. तो जैसे अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है एक्स इज ग्रेटर देन वाई. एक्स ग्रेटर देन वाई होगा नहीं ऐसा ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं है. हाँ पॉसिबल है कुछ कंडीशन पे पॉसिबल है. तो पहला वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया. सेकेंड पे आते हैं वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 50. अच्छा देखते हैं वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 50 तो 40 − 25 कितना हो गया 50. अच्छा 39 − 26 कितना हो गया यहाँ पे 30. तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15 ऑलवेज नो नॉट ऑलवेज. नेक्स्ट पे आते हैं y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 14. जरा देखिए यहाँ 15 to 30 या 14 में सब क्योंकि अगर हम y की मैक्सिमम वैल्यू देखें y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 40 और x की सबसे मिनिमम वैल्यू देखें तो वो कितनी है 25. तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 15. तो मतलब अगर हम नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो वो वैल्यू क्या देगी लेसर देगी. तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 इना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज. हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर ओल्डर देन इना हु इज 30 ईयर ओल्ड. एट व्हाट एज डिड द इना फादर गेट मैरिड. तो इना वाज बॉर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज. तो हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर एंड 25 ओल्डर देन इना. तो इसमें
आपसे पूछा जा रहा है इन अ फादर्स गेट मैरिड, इसको आपको बताना है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस पे रिटर्न कर दे, हम देख लेते हैं उनके फादर की एज अगर एक्स हो, उनके फादर की एज क्या हो एक्स हो, तो उनकी मम्मी की एज क्या होगी थ्री ईयर यंगर का मतलब क्या होगा एक्स माइनस थ्री, ये उनकी मम्मी की एज है। आई एम 24 ओल्डर देन ईना, मतलब ईना से वो कितनी है, ईना की एज कितनी होगी, ईना से 24 ईयर ओल्डर है। तो ईना में, ईना से अगर 24 ईयर ओल्डर है तो अगर हु इज 30 ईयर ओल्ड, तो ईना का मतलब ईना का एज अभी कितना है 30 ईयर है, तो 30 ईयर में ईना की मम्मी उनसे कितनी ओल्डर है 24, तो दैट्स मीन्स 37, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो उनके पापा की एज कितनी है अभी 40 है। तो अच्छा देखिए ईना की एज कितनी है यहाँ पे 30 ईयर है, अब ईना जो बॉर्न है वो 4 ईयर, मतलब उनके पेरेंट्स के मैरिज के 4 साल बाद उनका जन्म हुआ है, तो 40 है उनके पापा की एज है, उसमें से 4 मैंने माइनस कर दिया और ईना की एज भी उसमें से मैंने माइनस कर दी, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया 40 माइनस 70, दैट गिव्स 23, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ स्पेसिफिक कंपनी, उसके पास बट द रिटेलर ऑफर वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट, राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद द अमाउंट ही हैड, व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर। राकेश परचेस करने के लिए मोबाइल जाता है कोई एक स्पेशल कंपनी की, तो उसके पास टोटल प्राइस क्या होती है 8 मोबाइल का जितना कॉस्ट होगा वो होगा, लेकिन रिटेलर उसको क्या करता है कि 10 कुछ डिस्काउंट देता है, पता नहीं क्या डिस्काउंट देता है, तो जो डिस्काउंट देता है ना तो उस डिस्काउंट के पास उसके पास टोटल अमाउंट कितना बच जाता है 10 मोबाइल का। तो मतलब क्या कि अगर राकेश के पास एक मोबाइल का दाम मान के चलिए एक्स था, तो राकेश के पास टोटल अमाउंट कितना था 8x था, सही है ना, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल, तो अगर एक मोबाइल का प्राइस कितना था एक्स था, तो राकेश के पास टोटल कितना था 8x था, बट रिटेलर ऑफर वेरी गुड डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं 8x में से मीन्स कुछ डिस्काउंट कर दूं तो हमारे पास टोटल मोबाइल हैंडसेट राकेश कुड बाय कितना मोबाइल हैंडसेट 10 मोबाइल हैंडसेट, तो वो कितना मोबाइल खरीद सकता है 10 मोबाइल खरीद सकता है। तो हमने क्या किया 8x में से हमने मान लिया कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है k परसेंटेज है एक मोबाइल पे x में से k परसेंटेज। तो जरा इसको ध्यान से देखें कि x रुपीज का मोबाइल है, अगर मैंने x में x का k परसेंट डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास वन मोबाइल का प्राइस कितना हो जाएगा 1 माइनस k/100, ये वन मोबाइल का प्राइस है। तो अच्छा आपके पास 10 मोबाइल आप खरीद सकते हो, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास पहले कितना था 8x था, लेकिन दोनों बराबर थे ना, क्योंकि उसके पास जितना एक मोबाइल का दाम था उतना इसका था, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया सॉल्व। तो यहाँ पे जब मैंने इसको मल्टीपल किया 10x माइनस 10x इंटू के वाई 100 इक्वल टू 8x, तो 8x इधर आ गया 2x इक्वल टू 10x इंटू के वाई 100, x कर 2 5 10 520, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको जाएगा 20% का, ये हो गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर पेपर में हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो अपन इसको ऐसे नॉर्मली कर देंगे कैसे, एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट गिवन टू बी 40। अच्छा एवरेज जानते ही होंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है टोटल नंबर, उसके बाद क्या होता है नंबर मींस कितने हैं, तो यहां पे देखिए एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर 40, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा 14 × 100, दैट मींस 4000। इट वाज फाउंड लेटर दैट कि मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज मिसरीड 53 व्हिच वर मिसरीड एज अ 43, तो मैंने क्या किया 4000 में से 83 माइनस कर दिया, क्योंकि ये गलती से उससे पढ़ा गया और उसकी जगह अपन ने नेक्स्ट क्या कर दिया 30, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 100 ही है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 100 है, तो इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं 83, तो ये आ जाएगा 3970/100, दिस इज 39.7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट,
Next question 14. If every alternative letter of English alphabet from B onwards is written in a lower case, the remaining letter are capitalized. How is the first point of the second half of the year written? अच्छा इसमें ये दिया गया है ना कि अगर हम B से शुरुआत करते हैं, A to Z होता है number. अगर B से शुरुआत करते हैं, तो B letter of alphabet from B onward is written in lower case. मतलब B को अपन क्या लिखेंगे? Lower case में. Alternative में. मतलब यहाँ से आप इसके बाद कौन सा number लिखोगे? D. फिर कौन सा number लिखोगे? F. इस तरीके से. Then how is the first month of second half of the year written? That means आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जुलाई को कैसे लिखोगे? तो देखिए, J को आप कैसे लिखोगे? तो J कौन सा? अच्छा इसको याद करने का एक तरीका होता है. E ज्योति. आप इस पे याद कीजिए. E 5, 10, 15, 20. ये मैंने अल्फाबेट को अरेंज करके रखा. तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा J. तो J कौन से नंबर पे है? 10. तो देखिए B कौन से नंबर पे था? इवन नंबर पे. तो इवन नंबर कौन सा आ रहा है? स्मॉल. तो J कौन सा आएगा? स्मॉल. U कौन सा है? पी क्यू टी के बाद U कौन सा है? 21. तो 21 क्या है? ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर कैसा आएगा? कैपिटल. L कौन सा आ रहा है? L M N O. तो H I J K L. L क्या है? 12. तो 12 कैसा आएगा? तो स्मॉल. और Y कौन सा नंबर होता है? Y 25. मतलब ऑड नंबर. तो Y कैसा आएगा? कैपिटल. तो ये इस तरह से देखिए, U और Y कैपिटल कौन से में है? सिर्फ D वाले ऑप्शन में. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका D. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. Sunita cut a sheet of paper into three pieces. Length of first piece is equal to average of three single digit or prime number. Length of second piece is equal to that of first plus one third the length of the third. The third piece is as long as the other two pieces together. अच्छा चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सुनीता ने तीन पेपर को तीन पीसेस कट किए. लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस जो है ना वो इक्वल है किसके? एवरेज ऑफ थ्री सिंगल डिजिट और प्राइम नंबर. तो ऑड प्राइम नंबर में मैंने कौन कौन से ले लिए? थ्री ले लिया, फाइव ले लिया, प्लस सेवन ले लिया. तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस क्या है? थ्री सिंगल डिजिट का एवरेज है. मतलब कितना है? 15/3. तो डेट इज कितना? ये तो ये कौन सा है? फर्स्ट वाला है. अच्छा लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इक्वल टू द फर्स्ट प्लस वन थर्ड द लेंथ ऑफ द थर्ड. तो मैंने सेकेंड का मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया. अच्छा थर्ड पे आते हैं. थर्ड वाला दिया गया है थर्ड पीस एज लॉन्ग एज द अदर टू पीसेस टूगेदर. मतलब एक्स प्लस फाइव पहला और दूसरे का जो समेसन है वो थर्ड कह रहा है. तो थर्ड ये है. तो अच्छा आप क्वेश्चन नेक्स्ट पे अपन देखते हैं. एक्स प्लस फाइव जो है वो क्या है? वो दे रहा है फर्स्ट और सेकेंड का. अच्छा सेकेंड वाला कंडीशन एक और दिया हुआ है. लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट फर्स्ट प्लस वन थर्ड लेंथ ऑफ द थर्ड. तो देखिए वन थर्ड लेंथ ऑफ द थर्ड प्लस फर्स्ट. ये कौन सा है? प्लस फर्स्ट. ये क्या दे रहा है आपको? सेकेंड पीस दे रहा है. बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए. 1/3 एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एक्स माइनस फाइव. डैट मीन्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 3x माइनस 15. ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x. तो 2 × 10 = 20. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10. तो ये यहाँ पे x की 10 है, इसकी 15 है. उसने पूछा है लेंथ ऑफ द ओरिजिनल सीट. तो 15 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 30. दिस इज द ऑप्शन डी. ओके इधर ना इस साइड ना. ओके नीचे गए. उधर उधर उसी से सही सही. इन द सीक्वेंस 157 357 4357 हाउ मेनी सच फाइव आर देयर विच नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सी 3 बट आर इमीडिएटली फ्लोड बाय 7. तो देखिए इसमें ये कह रहा है कितने फाइव ऐसे हैं विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3. तो मतलब 3 से प्रीसीडेड नहीं है, मीन्स इसके आगे 3 नहीं आना चाहिए. तो इसमें देखिए 1 5 तो मतलब 1 आ गया. अच्छा यहाँ पे 5 के आगे 3 है तो मतलब ये नहीं है. और यहाँ भी 5 के आगे 3 है तो ये भी नहीं है. तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 1. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये फैमिली वाली फैमिली मेंबर्स वाले क्वेश्चन. फैमिली के हमेशा क्वेश्चन आते हैं
जिसको अपन ब्लड रिलेशन भी कहते हैं, ब्लड रिलेशन के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें 7 मेंबर थे, ए बी सी डी ई एफ जी, 3 मेंबर थे, 3 फीमेल्स हैं। अच्छा, अपन एक तरीका करते हैं कि मेल को पॉजिटिव साइन से और फीमेल को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी फादर एफ। अच्छा, डी के फादर कौन है? एफ। एफ की क्या है जी? सिस्टर इन लॉ है। तो जी कौन क्या है? निगेटिव। एफ डी के फादर है, तो यहां से एफ आपके पास क्या आ गया? पॉजिटिव डी। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है बी एंड डी आर सिबलिंग, तो बी और डी दोनों सिबलिंग है। एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए जो है वो बी की क्या है? डॉटर है। सी इज अ कजिन ऑफ बी, तो सी क्या है? बी का कजन है। इस तरह से ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो हु इज ई? ई क्या है इसमें से? आपको ई कौन सा हो सकता है? ई यहां पे देखिए, ए क्या है यहां पे? इसकी डॉटर है और डी इसका ब्रदर है। तो ए का कंडीशन क्या बनता है? ई इज अ वाइफ ऑफ एफ, हाँ हो सकता है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ए यहां पे है तो यस, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है और ये कौन सा जनरेशन है? थर्ड जनरेशन है, तो ई ए का ग्रैंड मदर भी हो सकता है। ई सी की आंट है, ई बी की मदर है, दैट मींस सी बी का कजन है, तो ई इसके आंट है, यस। तो आपके पास तीनों ऑप्शन सही जाएंगे, दैट मींस 1, 2, 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ईच फेस ऑफ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द क्यूब बी पेंटेड। अच्छा, बाई लॉजिकल क्यूब का एक क्वेश्चन हमने किया, क्यूब का ये भी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक बात बताइए, इसको अपन को ये बताना है कि हाउ मेनी वेज में। अच्छा, अगर मैं एक ब्लैक कर दूं, 5 व्हाइट कर दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, यहीं पे मैं एक काम और कर देता हूं ना, एक व्हाइट करता हूं, 5 ब्लैक करता हूं, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, 2 ब्लैक कर दें, 4 व्हाइट कर दें। इसी केस में हम 2 ब्लैक और 4 व्हाइट कर सकते हैं, वो कैसे? यहां पे अपोजिट केस ले लेते हैं, यहां पे एडजेसेंट। अच्छा, एडजेसेंट जब क्यूब लेते हैं ना, तो क्यूब का जैसे ये वाला साइड है, तो ये वाला साइड भी आएगा और अपोजिट में ये और ये दोनों साइड आएगा। तो अपन ने कैसे लिया है? एडजेसेंट मतलब ये और ये, तो हमने 2, 4 और 4, 2 भी ले लिया, 1, 5। ऐसा भी हो सकता है कि सारे कलर ब्लैक ही हो, एक भी कलर व्हाइट ना हो सकता है, क्योंकि कंडीशन तो नहीं दी है ऐसा कुछ डिफाइनेट। और यार ऐसा भी हो सकता है सारे ब्लैक, सारे व्हाइट हो और एक भी कलर ब्लैक ना हो, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये भी मैं देख सकता हूं, 3 ब्लैक 3 व्हाइट, यस ये भी कंडीशन बन सकती है, 3 ब्लैक और 3 व्हाइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें ये देखिए, 4, 2, 4, 2, वो कैसे? 4 ब्लैक जैसे 2, 4 अपोजिट एडजेसेंट लिए थे ना, वैसे यहां भी मैंने अपोजिट और एडजेसेंट ले लिए। तो यहां से भी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल यहां पे कितनी बन गई वैल्यू? 10। तो इस तरह के फेसेस कितने बनेंगे? 10। इस तरह से आपको केसेस देखने, सिर्फ जो 2 और 4 है ना, उसमें अपोजिट और एडजेसेंट वर्ड को ध्यान रखिए कि वो ऊपर नीचे है और एक साइड में आना चाहिए। इस तरह के 2 केसेस यहां बनते हैं, बाकी आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 6 दिया हुआ है, 6 की जगह अगर कोई और वैल्यू दी होती तो हमें भी लगता है कि यार इतना काफी बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, तो 6 दिया है तो हम इतने में एक थोड़ा सा कंफर्म लेते हैं। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जानते हैं, द नंबर विच इज रिटन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। तो जैसे एक्स प्लस वाई जेड है, तो मैंने इसमें क्या लिखा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, एम आई राइट? 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 6, एम आई राइट? अच्छा, इसके बाद हम इसको ऐसे 1 को ही केस में लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहां भी केस देखते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6। और यहां पे अगर कोई एक और केस बनता है तो वो 4 का है, तो 4 प्लस 1 प्लस 1,
तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो टोटल वैल्यू इसकी क्या आ गई 9। तो टोटल अपन इसको किस तरह कितने बार में कनेक्ट कर सकते हैं 9 बार में। काफी शॉर्ट और काफी इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई एंड हैड मीन्स माइनस देन वैल्यू ऑफ 10-5 तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। इसका मीन्स क्या है यहाँ पे माइनस तो 10-5 एट द रेट मीन्स का मतलब क्या है मल्टीप्लाई इनटू 1 और डॉलर मीन्स क्या है डिवाइडेड इक्वल टू 5 तो इसको अपन ने किया बोर्ड मास रूल से तो ये इस तरह से हुआ और 10-1 इक्वल टू आपको दे दिया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन एन 8-डिजिट नंबर लिव रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है कि सम ऑफ नंबर सम ऑफ डिजिट कम्स इन सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 3 टेबल्स में आना चाहिए यही होता है। अच्छा अपन एक काम करते हैं इनको जोड़ते पहले ऑलरेडी तो 4 2 6 6 5 11 11 2 13 37 20 20 plus 4 24 30 तो यहाँ पे आपके पास ये डिजिट क्या आ रहा है 30 plus b। उसने ये पूछा है कि हाउ मेनी बी आर पॉसिबल तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 30 में अगर मैं 0 जोड़ दू तो कोई भी दिक्कत नहीं ठीक है। चलिए 30 में अगर मैं 0 बी की जगह 3 लिख दू तो भी दिक्कत नहीं 6 लिख दू तो 36 ये भी 3 के टेबल में आएगा और एक और वैल्यू लिख सकता हूँ 9 तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आती है 4 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा जस्ट थोड़ा सा ऊपर कीजिए जाएगा ओके यहाँ पे आपके पास ये रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा वो लगाना है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए बस 6 स्टूडेंट ABCDEF appear in a several days either C या F score the highest whenever C score the highest then E score the least means जब C score high करेगा तो E क्या करेगा least करेगा ये एक condition है और whenever F score the highest B score the least in all the choices they got different marks D score higher than A D always क्या होगा higher than A होगा but they are close competitor मतलब इन दोनों के बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों कैसे हैं क्लोज कंपटीशन है। ए स्कोर हायर देन बी ए क्या करेगा बी से हायर स्कोर करेगा एंड सी स्कोर हायर देन ए और सी जो है वो ए से कैसा स्कोर करेगा ज्यादा करेगा तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक अरेंजमेटिक डाटा मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इफ एफ स्टैंड सेकेंड अगर एफ सेकेंड है तो मतलब कौन सा केस बनेगा ये वाला केस बनेगा तो अगर F सेकेंड है इन रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ B तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि B का पोजीशन कैसा होगा तो अगर C A से ज्यादा है तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा D क्योंकि D A से ग्रेटर है और A जो है वो किससे ग्रेटर है B से ग्रेटर है तो अब यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो यहाँ पे किसका स्कोर कौन सा होगा फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ बी स्कोर द लिस्ट B स्कोर द लिस्ट तो कौन सा केस बनता है ये तो रैंक ऑफ C विल बी अच्छा B अगर स्कोर लिस्ट करेगा तो B से बड़ा कौन हो सकता है A हो सकता है A से बड़ा कौन हो सकता है D हो सकता है और फिर D से बड़ा कौन हो सकता है या तो E हो सकता है या तो C हो सकता है तो आपके पास दो केस हैं या तो C यहां आएगा या तो C यहां आएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट If E is rank third, agar, then which one of the following? If E is rank third, तो अगर E third है तो ये वाला केस तो होने से रहा तो E वाला केस कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा तो E is rank third, अगर E rank third होगा तो C अगर okay, E rank third होगा तो which one of the following is correct? E get more mark than C? No. क्योंकि E थर्ड है तो C को तो सेकंड पे ही आना पड़ेगा ना क्योंकि D और A के बहुत क्लोज कंपटीटर है तो D A के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता तो इसीलिए E रैंक थर्ड है तो E गेट मोर मार्क दी तो गलत C गेट मोर मार्क देन E सही है A इज रैंक फोर्थ 1 2 3 4 गलत D इज रैंक फिफ्थ 1 2 3 गलत तो आपका ऑप्शन कौन सा होता है C गेट्स मोर मार्क्स E ये हो गया 15। नेक्स्ट
ओके पीछे कीजिएगा, इधर इस क्वेश्चन के उसमें आइएगा, इधर बैक, नीचे 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 नीचे, बस। अच्छा, यहाँ पे फिर से दो कंक्लूजन दिए गए हैं, स्टेटमेंट एस वन एस टू, और उनका अपने को कंक्लूजन देना है। एस वन, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन या दैट रोहन, मतलब अगर ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन वेट ऑफ मोहन, मोहन के वेट से कम है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन मोहन, पहला स्टेटमेंट एस वन जो है वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से एक बात तो कंक्लूजन है, अगर ट्वाइस द वेट इससे कम है तो दैट मीन्स एस इज ऑल्सो लेस देन एम, और ट्वाइस द वेट इससे कम है दैट मीन्स एस इज ऑल्सो लेस देन आर, तो ये हो गया आपके पास एस इज लेस देन एम एंड एस डी लेस देन एम आर, तो ये पहला बन गया। सेकेंड वाले एप्सन में देखते हैं एस टू में क्या कह रहा है। एस टू ये कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ मोहन, मतलब ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ मोहन और डेट सो ऑन। तो यहां से आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो? नहीं। लेकिन अच्छा, ट्वाइस द वेट इससे कम था, यहां से निकाल लिए, लेकिन यहां से हम अपना कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि ट्वाइस वेट लार्जर है, तो हो सकता है मे बी इट्स बिगर देन मोहन या मे बी इट लेस देन मोहन वेट ऑफ मोहन, तो ये यहां से अपने पास दो कंक्लूजन निकला। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है।